जिंदगी में सफलता पानी है तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात का हैमरिंग होना, सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार जाके बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फिर वहाँ से एक्शंस देता है, कृति देता है। तो हम देखेंगे सोने के पहले हम क्या करते हैं, उसका कैसा फ़ायदा होता है सफलता के लिए हमारी ज़िंदगी के, और सोने के पहले क्या करें। तो आइए, ये वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है। और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, रिसारों के साथ में पेशेंट लोगों को भर्ती, रिसारों के अलावा पेशेंट लोगों को भर्ती करते हैं, और हम एक पूरा सबको शक्तिशाली बनाना और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य देना, ये हम काम करते रहते हैं। ये वीडियो में हम ये बोलेंगे आपको कि भाई रात को सोने के पहले क्या करें, अच्छी नींद के लिए क्या करें, मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ है अच्छी नींद कैसे आना चाहिए, और अच्छी नींद की टिप्स भी मैंने दी हुई है। अभी हमको ये देखना है कि जब आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है अभी, तभी बेड पे जाने का है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकान हो गई, नींद आ गई है। होता क्या है कि नींद आने के बाद में हम जब बेड पे जाते हैं तो बेड पे लेटने के बाद और एक्चुअली नींद जब आती है उसमें काफ़ी सारा अंतर रहता है। हो सकता है वो 2 मिनट, हो सकता है किसका 5 मिनट, हो सकता है 10 मिनट, हो सकता है 15 मिनट। यूजली 2 मिनट से लेकर 15 मिनट लोगों को नींद आ जाती है। अभी ये जो पीरियड है नींद जस्ट लगने के पहले का पीरियड, ये बहुत ही पावरफुल पीरियड होता है। ये पीरियड में यदि हम सकारात्मक अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सकारात्मक सूचनाएं देने के बाद में वो सबकॉन्शियस माइंड रात भर उसके ऊपर काम करेगा, रात भर वो विचार सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और फिर उसका फ़ायदा हमको नेक्स्ट डे मिल सकता है। मैंने सुबह उठने के बाद में क्या करना उसके बारे में अलग वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे कब देना। ये जो है ये सोने के पहले क्या करना है, तो सोने के पहले जरूर आप ये देख सकते हैं कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, कल मुझे क्या क्या दिन भर में हासिल करने का है, कल किसके साथ में मुलाकात करने का है। एक बार वो आप करके जब लेटेंगे तो आपके गोल के बारे में दिमाग में लाओ कि मुझे कौन से गोल जो है वो मुझे हासिल करने के हैं, कल के लिए और ज़िंदगी के लिए, या साल भर के लिए, 5 साल के लिए। फिर आप ये देख ये बोल सकते हैं या सोच सकते हैं पहले कि भाई मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, बहुत ही गाढ़ी नींद और बहुत ही अच्छी नींद आएंगी, और सुबह उठने के बाद में मुझे बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। तो रात को सोने के पहले आप ये बोल सकते हैं कि मुझे अभी बहुत अच्छी और गहरी नींद आने वाली है, और सुबह उठने के बाद में मुझे दिन भर बहुत ही फ्रेश लगेगा, उत्साहित लगेगा, एंथुजियास्टिक लगेगा, मुझे कल दिन भर बहुत ही मैं खुश रहूँगा, बहुत एनर्जेटिक रहूँगा, बहुत ही एंथुजियास्टिक रहूँगा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, आई एम इंटेलिजेंट इनफ, आई एम स्मार्ट इनफ, मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, फिर आई एम वेरी हैप्पी पर्सन, आज मैं जो भी सोच रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है, मैं जब कल उठूँगा तो जो जो मैं जिसको भी हाथ लगाऊँगा वो काम मेरा पूरा हो जाएगा, जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे कल मिल जाएगा, कल जो जो चुनौतियों का सामना मैं करने वाला हूँ उसका सामना मैं करके उसमें मैं सफलता हासिल करूँगा, कल का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, कल का दिन मेरा बहुत मज़ेदार जाएगा, कल मैं बहुत ही सक्सेसफुल बनने वाला हूँ, जो भी काम मैं हाथ में लूँगा उसमें मैं सक्सेसफुल बनने वाला हूँ। इस तरह के सूचनाएँ आप यदि सोचते हैं, और देखिए सिर्फ सोचना नहीं आपने बोलना है, क्योंकि सिर्फ सोचने से होता नहीं है, सोचने से सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा नहीं है, आपने बोलना भी है, और सिर्फ एक बार बोलने का नहीं है, आपने ये बार बार बोलने का है। जब आप बार 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 रिपीट करोगे एखादे मंत्र जैसा, तो सिर्फ रिपीट भी नहीं करने का है, आपने उसको फील करने का, महसूस करने का है, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी हूँ। या जब आप बोलते हो बार 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 और स्वस्थ फील भी करते हो, हेल्दी फील भी करते हो, तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, और वो सूचना, वो अफर्मेशन सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। तो मैं कल बहुत ही सक्सेसफुल बनने वाला हूँ, मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कल मैं जब उठूँगा तब आत्मविश्वास के साथ में उठूँगा, ऐसा जब आप बार बार बोलते हैं। और आत्मविश्वास वाला व्यक्ति कैसा दिखेगा, मतलब आप खुद जिसको आत्मविश्वास है वो कैसा दिखेगा कल, वो भी आपने आँखें बंद करके सोचने का है। पूरा बदन रिलैक्स है और आप सूचनाएँ देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, अफर्मेशंस आपको कुछ दिन तक पहले पढ़ने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे, बार बार एक बार वो याद हो जाएंगे, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो अफर्मेशंस देते 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 ही आपको नींद लग जाएगी, क्योंकि आप पूरे रिलैक्स हो, अफर्मेशन अच्छे अच्छे दे रहे हो,
और आपको गहरी नींद आ जाएगी। सुबह जब उठेंगे तो देखिए ये अफर्मेशंस का कितना अच्छा प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ज़िंदगी में डाला होगा, आपको नेक्स्ट दिन उसके रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे। तो जरूर ये कीजिएगा, सोने के पहले जरूर इस तरह का आप विधि करते हो अफर्मेशंस का, तो आपके जीवन में उसका बहुत फायदा हो जाएगा, नींद भी अच्छी हो जाएगी, सपने आपके कम होंगे, भयावह सपने जिनको है उनके लिए बहुत ही अच्छा काम में आता है ये कि उनको बहुत इसका फ़ायदा हो जाता है, नींद भी अच्छी हो जाती है और सुबह उठने के बाद उनको बहुत फ्रेश लगता है, एंथुजियास्टिक लगता है। तो सोने के पहले जरूर ये कीजिएगा। हमारा जो मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा यदि आप ये लोगों को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।